तो देखो मोशनल ईएमएफ में हमने क्या फॉर्मूलाज किए। पहला फॉर्मूला मोशनल ईएमएफ का किया कि किसी भी रॉड को जब आप मूव करवाते हो तो मोशनल ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, बीएलवी। जब आप रॉड को सर्कल में घुमाते हो मैग्नेटिक फील्ड में तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला हाफ वी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो पहला क्वेश्चन है, एयरक्राफ्ट विद अ विंग स्पैन ऑफ 40 मीटर, 40 मीटर का विंग स्पैन है, टोटल विंग 40 मीटर लंबे हैं, फ्लाइज विद अ स्पीड ऑफ 1080 किलोमीटर पर आवर इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन एट अ कॉन्स्टेंट ऑल्टीट्यूड। एक हाइट पर एक एरोप्लेन उड़ रहा है, तो आपको लेंथ विंग्स की गिवन है 40 मीटर, विद वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वहां गिवन है, और कहां पर उड़ रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पर उड़ रहा है। फाइंड ई एम एफ दैट डेवलप बिटवीन द टिप ऑफ द विंग। तो एरोप्लेन को छोड़ो, आप विंग्स को एक रॉड की तरह ट्रीट करो, ये एरोप्लेन का रॉड है, विंग्स हैं तो ये रॉड है। तो एरोप्लेन उड़ रहा है हॉरिजॉन्टल नॉर्थन हेमिस्फीयर पे, नॉर्थन हेमिस्फीयर पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता, सिर्फ क्या होता है वर्टिकल, नॉर्थ पोल पे सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं होता। तो जब भी कोई प्लेन उड़ रहा होगा हॉरिजॉन्टली, तो सोचो यहां पर लाइंस कैसे गिर रही हैं, वर्टिकल नीचे गिर रही हैं। तो ये एरोप्लेन की लेंथ इन लाइंस की वर्टिकल कॉम्पोनेंट को कट करती हुई जाएंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेंगी, तो बी को कट करती हुई जाएंगी, कौन से कॉम्पोनेंट को कट करेंगी, अर्थ का वर्टिकल कॉम्पोनेंट कट करेंगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जब भी एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल उड़ेगा तो वो वर्टिकल कंपोनेंट लाइंस को कट करता हुआ जाएगा। तो विंग्स में ईएमएफ कितनी डेवलप होगी, बीएलवी, और बी कौन सा यूज करना है, हॉरिजॉन्टल नहीं करना, बी कौन सा यूज करना है, वर्टिकल करना है, ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट समझ में आ रहा है? और क्वेश्चन में वर्टिकल कॉम्पोनेंट की वैल्यू गिवन है, लेंथ गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना, आंसर वोल्ट में आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है, एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हॉरिजॉन्टल उड़ रहा है अभी भी, विद वेलोसिटी ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस टू एंड्स, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक ही बात है, ऑफ द विंग्स हैविंग अ स्पैन ऑफ 20 मीटर, तो विंग्स इस बार 20 मीटर लंबे हैं, तो बीएलवी का फॉर्मुला लगेगा इसमें फिर से, एरोप्लेन अगर हॉरिजॉन्टल उड़ रहा है तो कौन से कॉम्पोनेंट को कट करता हुआ जाएगा, वर्टिकल को कट करता हुआ जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो प्लेन जब हॉरिजॉन्टल उड़ेगा तो वर्टिकल कंपोनेंट कट करेगा, तो मोशनल ईएमएफ में क्या लगेगा, बीएलवी, और बी कौन सा, वर्टिकल। पर हमें क्वेश्चन में कौन सा कंपोनेंट गिवन है, हॉरिजॉन्टल, मुझे चाहिए नहीं हॉरिजॉन्टल, मुझे क्या चाहिए, वर्टिकल, और साथ में क्या गिवन है, एंगल ऑफ डिप। तो पहला काम क्या होगा, पहला काम होगा कि मैं इसके अंदर टैन डेल्टा इज इक्वल टू वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कौन सा कंपोनेंट निकाल लूंगा, वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड एंगल ऑफ डिप से वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिया, वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, बस उसके बाद फॉर्मूला बीएलवी और बी कौन सा, वर्टिकल। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो जब भी एरोप्लेन उड़ेगा हॉरिजॉन्टल में, एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल में उड़ता है, तो यहां पर मोशनल ईएमएफ में बी कौन सा हमेशा यूज होगा, वर्टिकल। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब जैसे 14th क्वेश्चन है, अब अगर रेलवे ट्रैक रनिंग नॉर्थ टू साउथ हैज टू पैरेलल रेल्स 1 मीटर अपार्ट, जो पटरी है वो 1 मीटर अपार्ट है, आगे कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द रेल्स, जब ट्रेन उसमें से पास कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर पे, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ फील्ड गिवन है, एंगल ऑफ डिप भी गिवन है। आप एक बात बताओ, जो ट्रेन है, ट्रेन को सोचें एक रॉड है, ऐसे ट्रेन की लेंथ ना देखें, ऐसे देखें रेल्स के बीच में डिस्टेंस, तो एक रॉड है, रॉड ट्रेन कैसे जा रही है, हॉरिजॉन्टल, कि ट्रेन ऊपर तो जाती नहीं है, ट्रेन हॉरिजॉन्टल प्लेन की तरह हॉरिजॉन्टल जाती है, कौन से कंपोनेंट को कट करेगी अर्थ के, वर्टिकल, सामने वर्टिकल लाइंस होंगी उसको कट करती हुई जाएंगी, तो ट्रेन या प्लेन जब भी उड़ेगा तो कौन सा कंपोनेंट लगेगा, वर्टिकल। पर हमें क्या गिवन है, हॉरिजॉन्टल, एंगल ऑफ डिप भी गिवन है, यहां से सॉल्व करके क्या आएगा, वर्टिकल कॉम्पोनेंट, वर्टिकल कॉम्पोनेंट पुट करके ईएमएफ आ जाएगी। तो यानी कि अब शॉर्टकट हो गया, अगर प्लेन उड़ रहा है या ट्रेन चल रही है तो बीएलवी का फॉर्मूला लगेगा, और बी कौन सा यूज होगा, वर्टिकल। अगला प्रॉब्लम है, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर, ये कंडक्टर है मेरे हाथ में, 1 मीटर लंबा है, एल 1 मीटर है, फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, ये नीचे गिर गया। अब ये कंडक्टर हॉरिजॉन्टल नहीं उड़ रहा, ये कंडक्टर वर्टिकल चल रहा है। अब जब वर्टिकल चलेगा तो वर्टिकल लाइंस को तो परपेंडिकुलरली कट नहीं करेगा, वर्टिकल लाइन तो नीचे ही है और ये भी नीचे जा रहा है, कट नहीं करेगा, किसको कट करेगा, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फील्ड कैसा होगा, जमीन के साथ ऐसा बिछा होगा इस तरीके से हॉरिजॉन्टल। तो जब ये रॉड नीचे गिरेगी तो हॉरिजॉन्टल फील्ड को क्या कटती हुई जाएगी, कट करती हुई जाएगी, तो रॉड जब नीचे गिरेगी तो बीएलवी में बी कौन सा यूज होगा, हॉरिजॉन्टल। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक?
तो रॉड का कोई भी चीज जब वर्टिकल गिरेगी तो हॉरिजॉन्टल, जब हॉरिजॉन्टल चलेगी तो वर्टिकल, तो उल्टा काम है, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर जब वो नीचे गिर रही है तो 10 मीटर नीचे गिरी, पहले वेलोसिटी निकाल लो उसकी कितनी है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2gs से, एस आपको 10 मीटर गिवन है, जी आपको 9.8 गिवन है, यहाँ से क्या आ जाएगी वेलोसिटी। तो यहाँ से बी एल वी में हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट की वैल्यू पुट करो, एल पुट करो, वी पुट करो, क्या आएगा मोशनल ई एम एफ आ जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक। अगला प्रॉब्लम है क्यूब की प्रॉब्लम्स है, ये लेंथ है, ये सारी एजेस हैं और एक क्यूब बनाया हुआ है, स्केल्टन है। पहला केस है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड दोनों केस में राइट की तरफ है। पहला केस है कि इस पूरे क्यूब को उठा के मैं यहां मूव करवा रहा हूं और आपको बताना है कि ये जो लेंथ है सारी की सारी, इसमें मोशनल ईएमएफ कितनी डेवलप होगी, फॉर्मूला बी एल वी है। दूसरा केस है, ये क्यूब है, क्यूब को मैं कहां लेके जा रहा हूं, ऊपर लेके जा रहा हूं। तो जब मैं क्यूब को ऊपर लेके जा रहा हूं तो इनकी जो एजेस हैं उसमें मोशनल ईएमएफ कितना डेवलप होगा। क्लियर है यहां तक, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक। तो अब इसके अंदर अगर मैं ये केस देखो, मोशनल ईएमएफ तब डेवलप होती है जब बी लेंथ और वेलोसिटी आपस में क्या होती है 90 डिग्री पे होंगी। एक भी अगर वेक्टर दूसरे के साथ 90 एंगल नहीं बनाएगा या जीरो एंगल बनाएगा फिर मोशनल ईएमएफ डेवलप नहीं होगी। एक बात बताओ, सपोज ये लेंथ ली आपने, ये लेंथ कहां पर है, ऐसी है, बी भी कैसा है, ऐसा है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है भाई। बी में और लेंथ में जब एंगल ही जीरो है तो मोशनल ईएमएफ डेवलप नहीं होगी, केस क्लोज। अच्छा चलो ये ले लेते हैं, लेंथ कहां है, ऊपर, वेलोसिटी क्या लेंथ के साथ 90 डिग्री पे, पर बी फिर कैसे है, बी और वी में इस बार एंगल जीरो बन गया तो इसमें भी मोशनल ईएमएफ डेवलप नहीं होगी। वैसे मुझे लगता है पूरी रॉड के किसी हिस्से में नहीं होगी क्योंकि वी और बी में हर हालत में एंगल जीरो ही है, तो इसमें वैसे ही नहीं होने वाली। आप कोई मर्जी लेंथ ले लो, जैसे मर्जी ले लो, बी और वी में तो हर हालत में एंगल जीरो ही होना है, तो किसी भी एज में यहां पर मोशनल ईएमएफ डेवलप नहीं होगी। तो पॉइंट समझ में आया यहां तक, ये लेंथ है, लेंथ का है हॉरिजॉन्टल, वेलोसिटी का है हॉरिजॉन्टल, एंगल जीरो बन गया, गई। ये लेंथ ले लें, लेंथ का है वर्टिकल, वेलोसिटी का है 90 डिग्री पे, बी कहां पर है, वेलोसिटी के साथ हो गया, जीरो एंगल बन गया, तो नहीं होगा। तुम जो मर्जी साइड ले लो, बी और वी का एंगल तो हर हालत में जीरो ही बनना है ना, तो देख क्यों रहे हो बाकी लेंथ जहां मर्जी हो, लेंथ जहां मर्जी हो, लेंथ चाहे परपेंडिकुलर हो, बी और वी के अंदर तो हर हालत में एंगल जीरो ही है, तो मोशनल ईएमएफ क्या होगा, जीरो ही होगा, इसमें जनरेट ही नहीं होगा। तभी उसने दो डायग्राम दिए, अब वो क्या कहता है, चलो ऊपर मूव करवा दो। जब आप ऊपर मूव करवाओगे तो चलो एक काम करते हैं, ये लेंथ लेते हैं, ये लेंथ कैसे है, ऐसे है, वेलोसिटी कैसी है, 90 डिग्री पे है, बी कैसे है, ये भी है। देखो लेंथ और बी अब सेम डायरेक्शन में हो गए, कोई मोशनल ईएमएफ डेवलप नहीं होगी, एंगल जीरो हो गया, तो इसके अंदर मोशनल ईएमएफ डेवलप नहीं होगी, कोई डाउट इसमें, ठीक। अच्छा ये लेंथ ले लें पीछे वाली, सेम केस है, डीसी का है राइट, वेलोसिटी 90 डिग्री पे है, पर प्रॉब्लम है कि लेंथ और एक मिनट देखो फिर से देखते हैं। तो इस केस में क्या कह रहा था, ये लेंथ ले लेते हैं, ए बी राइट है, बी भी राइट है, कोई मोशनल ईएमएफ नहीं। अच्छा ये ले लेते हैं बी एफ ऊपर है, वेलोसिटी भी ऊपर है, कोई मोशनल ईएमएफ नहीं, एंगल फिर जीरो बन गया। अच्छा ये लेते हैं ए डी कैसे है, बोर्ड के अंदर, वेलोसिटी कैसी है, ऊपर, बी कहां है, इस तरफ, एंगल क्या बन गया 90, हर में 90, देखो बी राइट है। अगर मैं एडी पोर्शन लेता हूं, एडी बोर्ड के अंदर है, बोर्ड के अंदर और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90, बी भी 90, हाँ तो इसमें जनरेट होगी बीएलवी, इसमें जनरेट होगी बीएलवी, इसमें जनरेट होगी बीएलवी और इसमें भी जनरेट होगी बीएलवी, बाकी किसी में नहीं होगी, चेक कर लो। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि किन किन में, जिसमें बी में, एल में और वी में एंगल 90 है उनमें तो जनरेट होगी,
जिनमें एक में भी एंगल जीरो हो गया उनमें जनरेट नहीं होगी। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे मोशनल ईएमएफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है इसमें क्यूब वाले क्वेश्चन में। अब जैसे ये क्वेश्चन है, पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक रॉड है, मूव कर सकती है, रेजिस्टेंस है 5 ओम की, 25 सेंटीमीटर लेंथ है, बी आपको 0.4 गिवन है और 5 ओम की रेजिस्टेंस है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड गिवन है, डायरेक्शन ऑफ करंट बोलो इसमें कितना जनरेट होगा। एक बात बताओ, रॉड मूव कर रही है तो ईएमएफ क्या जनरेट होगी? बीएलवी। बीएलवी को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, बीएलवी आ गया, रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? करंट आएगा। करंट की डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, बी कहाँ है? बोर्ड के अंदर। मोशन ऑफ कंडक्टर कहाँ है? राइट थंब राइट, बी बोर्ड के अंदर, थंब राइट, तो करंट कहाँ जनरेट होगा? ऊपर। तो अगर करंट ऊपर जनरेट होगा तो करंट कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? तो करंट की डायरेक्शन बता दी, करंट की वैल्यू बता दी इसमें। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर मैं इस अगले पार्ट में रॉड मूव टूअर्ड द लेफ्ट, वो कह रहे हैं अभी रॉड कहां जा रही है? राइट। अगर रॉड कहां आती है? लेफ्ट। तो करंट एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। वैल्यू विल रिमेन सेम, वैल्यू में कोई चेंज नहीं। क्लियर है? कैसे करना समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है सर। बोलो सर, एक बार प्लीज लास्ट पार्ट बता दो। देखो, अगर रॉड राइट जा रहा है, करंट एंटी क्लॉकवाइज है, अगर रॉड लेफ्ट हो जाएगी तो करंट तो क्लॉकवाइज हो जाएगा ना। ऐसे कर लो, ये लो, ये वेलोसिटी यहाँ कर लो, फ्लेमिंग का रूल लगा लो, बी बोर्ड के अंदर है, थंब इधर है, तो करंट कहाँ होगा? नीचे। तो करंट जब नीचे होगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा ऐसे। पर ये तो अब समझ में आ ही गया ना, अगर रॉड अपनी डायरेक्शन चेंज करती है तो करंट भी तो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, तो रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही पता लग रहा है इसमें। क्लियर है यहाँ तक? रूल लगा भी लोगे तो समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है आपने इसमें। ठीक, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखना प्लीज, 18th। क्या ये क्वेश्चन किया लगता है? पहले मुझे बताओ, लग रहा है कुछ क्वेश्चन किया हुआ ऐसा? क्या क्वेश्चन है? मेटालिक रॉड जिसकी लेंथ L इज रोटेटेड विद ओमेगा इन B। अरे भैया, रॉड घूम रही है गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड में, किया हमने ना, हमने ये प्रूफ क्या करना? हमने तो फॉर्मूला ही याद है EMF का, हाफ बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा, डन। तो हमने ये अपना जो हैंड रिटन शीट में लास्ट टाइम किया था, जब एक रॉड घूमती है तो EMF का ये फॉर्मूला। क्लियर है यहाँ तक? सेम प्रूफ। इसके अंदर वो कह रहे हैं अब करंट भी बता दो लूप में, इस रॉड में कितना है करंट, क्या करना है? ईएमएफ को किससे डिवाइड करना है? इसकी रेजिस्टेंस से। फिर वो कहता है अच्छा ऐसा कर दो, चार्ज बता दो इसमें कितना होगा, सॉरी हीट बता दो इसमें कितनी जनरेट होगी। हीट क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, इलेक्ट्रिसिटी याद है, वी स्क्वायर बाय आर पावर इंटू टाइम हीट। तो हीट में ई स्क्वायर बाय आर इंटू टी, ई क्या है? ये पूरे का पूरा ई, पूरे के पूरे ई को यहाँ पुट करके स्क्वायर करके आंसर। तो हीट भी आ गई, करंट भी आ गया, ईएमएफ भी आ गया और सब कुछ आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे सोचना है इसमें? ठीक है, 19th क्वेश्चन देखना प्लीज। देखो क्वेश्चन चेंज कर दिया इसने, अभी वो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या घुमा रहा था? रॉड।
वो कह रहे हैं आप नीचे वाले क्वेश्चन में घुमाओ डिस्क, एक डिस्क ले लो, डिस्क रोटेट कर रही है इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो ईएमएफ क्या जनरेट होगी ये बताओ। ठीक, तो एक चीज समझो कि रॉड जब पूरी घूमेगी या डिस्क जब घूमेगी तो आपको ईएमएफ जो निकालनी है वो कहाँ निकालनी है, जैसे डिस्क है रिम में और सेंटर के बीच में निकालनी है। हम रॉड में भी कहाँ निकालते थे, सेंटर और कॉर्नर ऑफ रॉड में। तो रॉड का मूव करना या डिस्क का मूव करना कोई फर्क नहीं है, क्योंकि डिस्क के कोई भी दो पॉइंट लोगे तो वो रॉड की तरह केस बनेगा। चेक करो, तो जब डिस्क घूमेगी तो भी उसके कॉर्नर रिम और सेंटर के पॉइंट लेने, जब रॉड घूमेगी तो भी दो कॉर्नर के पॉइंट्स है, फर्क कोई नहीं है दोनों में, तो आंसर विल रिमेन सेम। ये एक शॉर्टकट है, ऑब्जेक्टिव के लिए काम आता है, यार आंसर सेम है बात ही खत्म हो गई। पर अगर ये सब्जेक्टिवली करना है तो क्या करना है, जब एक डिस्क घूमेगी तो पूरा एरिया स्वीप कितना करेगी एक राउंड में, पाई आर स्क्वायर, तो बी इंटू पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा उसका फ्लक्स। और एक राउंड कितनी देर में काटती है, टी, तो ये जो फ्लक्स है इसको टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे तो ईएमएफ वो डी फाई बाई डी टी क्या आ जाएगी, ईएमएफ। वन बाई टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा बाई टू पाई, तो फ्रीक्वेंसी की जगह ओमेगा बाई टू पाई, आंसर वही आएगा जो रॉड का था। तो आप जैसे मर्जी कर लो, रॉड का प्रूफ लगा दो या डिस्क का लगा दो, बात एक ही है, फॉर्मूला न्यूमेरिकल में इट विल रिमेन सेम। ठीक है, यहाँ तक 20th क्वेश्चन। क्वेश्चन में व्हील विद 10 मेटालिक स्पोक्स ईच 0.5 मीटर लॉन्ग इज रोटेटेड विद अ स्पीड ऑफ 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट इन अ प्लेन नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बीएच एट अ प्लेस। मान लो अर्थ का फील्ड ऐसे हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, जो अर्थ का फील्ड है वो सपोज हॉरिजॉन्टल है ऐसा है, और ये व्हील ऐसा है, तो ये हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है और व्हील इसके परपेंडिकुलर है, तो व्हील घूम रहा है इसमें, तो ये स्पोक्स हैं, इसके अंदर वो स्पोक्स हैं सेंटर से लेके कॉर्नर तक लगे हुए हैं, 10 मेटालिक स्पोक्स हैं इसमें। तो आपको इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गॉस में गिवन है, इसमें टेस्ला में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10^-4। लेंथ आपको हर स्पोक की 0.50 मीटर गिवन है। क्या निकालना है आपको, आपको इसमें निकालना है व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एक्सल एंड रिम ऑफ द व्हील। तो एक्सल और रिम के बीच में आपको वैल्यू निकालनी है, इसमें क्या होगी, एक पॉइंट को समझते हैं। इसमें चाहे स्पोक घूमे वो भी रॉड है, डिस्क घूमे वो भी रॉड है, सेंटर और कॉर्नर के पॉइंट में ईएमएफ का फॉर्मूला विल रिमेन सेम। तो ईएमएफ का फॉर्मूला ये यूज कर लें या इसका ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें, बात एक ही है, ये और ये एक ही बात है। तो इसने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, एक ही बात है, क्योंकि आपको इसमें फ्रिक्वेंसी गिवन है, फ्रिक्वेंसी गिवन है रेवोल्यूशन पर सेकेंड गिवन है, तो वहां से फ्रीक्वेंसी कैन बी कैलकुलेट, फ्रीक्वेंसी है रेवोल्यूशन पर सेकेंड, तो बी पता है, लेंथ पता है, फ्रीक्वेंसी आपके पास, बी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि वही रॉड है, स्पोक है, डिस्क है, बात एक ही है सब में। 10 स्पोक्स में तो क्या फर्क पड़ता है, पूरी डिस्क है इसमें तो इनफाइनाइट स्पोक्स हैं, तब भी तो फॉर्मूला सेम ही है, क्योंकि एट अ टाइम तो दो पॉइंट्स लोगे ना, एक सेंटर और एक रिम, तो तुमने 10 स्पोक्स का क्या करना है, चाहे 20 हो चाहे 100, आपने लेने तो दो ही पॉइंट्स हैं, हर स्पोक का आंसर विल रिमेन सेम। इकट्ठे तो 10 स्पोक्स का इंटू 10 तो करना नहीं है, पॉइंट बाय पॉइंट है, सेंटर और रिम का पॉइंट है। ठीक है यहाँ तक, तो होमवर्क, होमवर्क सेम है ये, होमवर्क होमवर्क ये वाला नहीं, ये करो, ये लास्ट वाला करो 24th।
देखो इसमें 0.5 मीटर लॉन्ग मेटल रॉड पी क्यू कंप्लीट्स द सर्किट एज शोन। तो ये एक मेटल की रॉड है पी क्यू और रॉड जो है मूव करती जा रही है वी वेलोसिटी के साथ। तो द एरिया ऑफ द सर्किट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। एरिया परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है अंदर है तो एरिया वेक्टर कैसा है वो भी इनसाइड लेंगे, बी इंटू ए कॉस जीरो। तो लूप यानी कि परपेंडिकुलर है, लूप परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, उसको शायद गलत लिख गया, वो एरिया वेक्टर बोल दिया उसने। तो मुझे लगता है इसको लिखना चाहिए कि लूप परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो एरिया वेक्टर और बी में एंगल क्या बनेगा जीरो। ठीक है यहाँ तक, तो ये सिचुएशन है। वैसे डायग्राम गिवन ही है, सिचुएशन गिवन ही है कि इसमें बी एल वी फॉर्मूला लगने वाला है। तो इसमें निकालना क्या, पहले ये देख लेते हैं। इसमें मुझे निकालना है कैलकुलेट फोर्स नीडेड। तो फोर्स चाहिए कितनी, रॉड को खींचने के लिए कितनी फोर्स चाहिए होगी। कोई कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला फोर्स का मैंने आपको करवा दिया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर, बस वैल्यू पुट कर दो आंसर। तो जो डेरिवेशन आज हमने की थी उसी के बेस पे आंसर आ जाएगा। क्या पूछ लेगा रॉड को मूव करवाने में, पावर पूछ लेगा, फोर्स पूछ लेगा, ईएमएफ पूछ लेगा, करंट पूछ लेगा, चार्ज पूछ लेगा, जो मर्जी पूछ ले, मेथड वही सेम है। स्टार्ट उसने बीएलवी से होना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ये आपका होमवर्क है, इसी जरूर करना, असाइनमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है बता रहा हूँ मैं, इसके ऊपर फॉर एनसीईआरटी लिख लेना। तो ये सारे क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं। ठीक है यहाँ तक?